हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्कशीट एक्सरसाइज वन इसमें हम लोग सारे एक्सरसाइज वन के वीडियो सॉल्यूशंस करेंगे वर्कशीट आपके पास में है ठीक है वहाँ से आप देखते जाइएगा और अपने लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रोंग बनाते जाइएगा सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्टी इन थर्टी नंबर क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय वन इनफाइनाइट लेंथ वायर on the other so let's assume that this is your first wire and this wire is of uh, charge density lambda 1 this is infinite length wire this one is another wire and this wire is having charge density lambda 2 again this is also infinite length wire and the separation between these charges is given as r this is the separation given

आर क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर होता है उसकी वजह से इलेक्ट्री फील्ड टू के लैमडा बाई आर होता है नाउ लेस अज्यूम कि यहां मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया है एंड दिस एलिमेंट हैज़ लेंथ एल तो ये जो मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है इस एलिमेंट पर जो चार्ज होगा अगर मैं उस चार्ज के बारे में बात करूँ तो उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा चार्ज डेंसिटी लामडा टू इन टू एल क्योंकि चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ तो इस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स अगर मैं देखूंगा कि कितना लग रहा है तो यहां लगने वाला जो फोर्स आएगा हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वन है वो, चार्ज वन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज टू के लिए एक्सटर्नल होगा और चार्ज टू का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वन के लिए एक्सटर्नल होगा राइट तो अब आप यहां पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू कैन राइट इट एज लामडा टू इन टू एल और ई e का वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिया तो टू के लामडा वन बाय आर तो आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ तो हम एक काम करेंगे कि हम इस लेंथ को नीचे डिनोमीटर में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा टू के लामडा वन लामडा टू डिवाइडेड बाय आर दिस वुड बी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट राइट तो स्टेटमेंट नंबर नंबर वन देखो इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में बताना है आपको फर्स्ट में लिया हुआ है दे इमरजेस फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज हम जब जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है या इमर्ज करती हैं इसका मतलब ये पहले ही जगह पे रॉन्ग हो गया सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट सेकंड में लिखा हुआ है यहाँ पर कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज़ वीक वेयर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर मोर हम जानते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे हैं ठीक है थीके? तो आप देख सकते हैं कि इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा हैं तो यहाँ इस रीजन और इस रीजन को कंपेयर करें तो हम जाएंगे जानते हैं कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी मोर स्ट्रोंगर दैन एट द बी पॉइंट यानी कि द रीजन विच हैज मोर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड जबकि इन्होंने वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है दैट्स वाई अगेन इट इज रॉन्ग ऑप्शन नेक्स्ट में दिया हुआ आपको दे आर इन रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज सो एज यू कैन सी इफ आई प्लीज नेगेटिव चार्ज ओवर हिस्टर तो यहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगी दैट वुड बी इन द रेडियल डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन बोलने का मतलब सर्कल या ठीक है तो रेडियस की तरफ है इसलिए यह स्टेटमेंट आपका एक राइट right स्टेटमेंट बन गया है सो दिस वुड बी योर आंसर लेकिन अगर आप फोर्थ ऑप्शन को एनालाइज करना चाहें ठीक है तो उसमें लिखा हुआ है दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज अ अमेजनरी कॉन्सेप्ट दैट्स व्हाई अगेन दिस ऑप्शन वुड बी द रॉन्ग आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं कि एक सॉलिड स्पीयर सॉलिड स्पीयर जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है आर सो लेट्स सपोज दिस इज अ सॉलिड स्पीयर विच हैज रेडियस आर हम जानते हैं इसके बाहर कोई पॉइंट हम कंसिडर करेंगे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है केक्यू बाई आर स्क्वेयर राइट एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करता है पे। तो अगर आपने यहां पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है क्यू तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा के क्यू बाई आर स्क्वेयर ई आउटसाइड इसका मतलब इन्होंने जो सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है दैट ऑप्शन टू इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन राइट अब हम इसके अंदर चले जाएं तो यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर लूँ स्टूडेंट्स तो इसको सर्कल को भूल जाना यहाँ पर मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर लूँ ले सपोज दिस पॉइंट इज पी डैश जिसकी ये वाली डिस्टेंस आर हो ठीक है तो यहाँ पर ई पी डैश का जो वैल्यू बनता है दैट इज़ के इसके अंदर जो भी चार्ज है वो डिवाइड बाय इसकी रेडियस का होल क्यूब इंटू स्मॉल आर दिस इज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला so this option is also right so both options are right so what I can say option 1 and option 2 both are the right option electric field zero होने का कोई मतलब नहीं है इसलिए third option to तो aapka wrong ho hi jayega 33 इसमें आपको बताना है electric line of forces का कौन सा pattern जो है वो possible नहीं है तो हम जानते हैं electric line of forces कभी भी closed loop form नहीं करती तो what I can say ELF इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सिस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप लाइक क्लोज लूप कौन फॉर्म करता है मैग्नेटिक लाइन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी ठीक है तो आप देख सकते हैं जो आपका थर्ड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन में इन्होंने क्लोज लूप बना रखा है इसलिए थर्ड ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा और यही आपका आंसर बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देर इज अ अर and this sphere has radius, this sphere has radius r and charge q, and this is placed in some other sphere, right? and this other sphere has radius 2r right? और आपको बताना है इससे निकलने वाला flux क्या होगा? तो आप जानते हैं gauss theorem से किसी भी close surface से निकलने वाला जो flux होता है उसका value होता है q net तो यहाँ नेट चार्ज जो हुआ वो क्यू है अपॉन एफसाइल नॉट इसलिए आपका आंसर बन जाएगा क्यू बाई एफसाइल नॉट और यही आपका आंसर होने वाला है इवन अगर बाहर वाली सरफेस स्पेरिकल नहीं होती किसी और शेप में होती ठीक है इवन मैं बोलता हूँ कि वो क्यूबिकल शेप में होती क्यूबॉइड के शेप में होती तब भी आंसर सेम आता है सरफेस के पर डिपेंड नहीं करता है तो दिस वुड बिहेव लाइक अ गाउज इन सर्फेस और वैसे इस पर डिपेंड नहीं करता है किसी भी क्लोज सर्फेस निकल फ्लक्स जो होता है वो क्यू नेट बाय बायसाइल नॉट होता है सो दिस वुड बी योर एंसर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने एक स्पियर लिया है बेटा ठीक है ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पीयर है ठीक है यानी इसमें जो चार्ज होगा वो जहां रख दोगे वहीं चुपचाप पड़ा रहेगा राइट और इसका रेडियस आपको दे रखा है आर तो मैं जानता हूँ अगर इसके बाहर किसी पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा ई आउटसाइड ठीक है जिसकी यहाँ से डिस्टेंस बन रही हो आपके पास में आर तो ई e आउटसाइड का वैल्यू आएगा के इसके अंदर जो भी टोटल चार्ज है मान लेते क्यू चार्ज है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जबकि मैं जानता हूँ सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वैल्यू आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और अगर इसके अंदर कोई पॉइंट ले लूंगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा ई इन साइड इज इक्वल टू के क्यूब बाई आर क्यूब इन टू स्मॉल आर तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ जैसे जैसे आर का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा राइट सो इन साइड ये आपके ऑप्शन नंबर वन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है यानी ए को सेटिस्फाई कर रहा है सो दिस सेटिस्फाई द ए रिलेशन ठीक है और अगर आप इसके बारे में बात करें तो जैसे जैसे आर की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होगा ये आपकी सी ऑप्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और बी रॉन्ग है इसलिए इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स इसमें दिया हुआ है कि एक क्लोज सर्फिस है बेटा जिसके अंदर आपने क्या किया ट्वेंटी माइक्रोकाम चार्ज को रखा फिर आपने सेम क्लोज सर्फिस ले ली सेकेंड केस में और अब इसके अंदर आपने 80 माइक्रो माइक्रोकाम चार्ज रखा तो जब ये चार्ज रखते हो तो फ्लक्स का वैल्यू बनता है फाइव और अब बताना है जब ये वाला चार्ज रखा जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा तो हम जानते हैं कि बाय द गोज जो फ्लक्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू चार्ज या फिर क्यू नेट बाय बायसल नॉट तो यहाँ पर देखोगे तो ये वाला चार्ज जो है फोर टाइम कर दिया इसलिए आपका आंसर आ जाएगा फोर पाए लेकिन मैथमेटिकली करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो आप क्यू नॉट यानी ट्वेंटी डिवाइडेड बाय एफ साल नॉट सेकेंड केस में एटी डिवाइडेड बाय एफ साल नॉट सो यह आ जाएगा फोर टाइम ऑफ ट्वेंटी बायसाली आ जाएगा कितना आप पास में फोर टाइम ऑफ फाइव और यही आपका एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज वैल्यू एट आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप और जो एरिया वेक्टर है दिस एरिया वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन तो ये एक आपस में एरिया है दिस डायरेक्शन इज एक्स एंड दिस वन इज़ वाई तो आप जानते हैं जो एरिया वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो इस टाइप से आएगा आपका एरिया वेक्टर और ये जेड डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा यानी यहाँ जो एरिया वेक्टर बनेगा दैट इज हंड्रेड ऑफ के कैप ठीक है ए ध्यान रखिएगा एरिया वेक्टर ऑलवेज लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द एरिया लाइज तो एरिया इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन सो एरिया वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन दैट्स वाई इट इज टेकन एज के कैप सो वी नो दैट द फ्लक्स हैज वैल्यू ई डॉट ए और हम जानते हैं जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई को आई से जे को जे से और के को के से करते हैं अब इसमें आई और जे तो है ही नहीं तो के को के से करेंगे तो में आ जाएगा थ्री हंड्रेड यूनिट एंड दिस वुड बी योर आंसर इस क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा थर्टी एट नंबर के क्वेश्चन में कि एक वायर है एंड दिस वायर हैज रेडियस ऑफ वन मिलीमीटर राइट और इस वायर पे जो चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है द चार्ज डेंसिटी इज़ क्यू चार्ज पर यूनिट सेंटीमीटर ठीक है so, सो क्यू चार्ज पर सेंटीमीटर आपको दे रखा है सो so, वन सेंटीमीटर पे यहाँ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू और इसको हमने एक सिलेंड्रिकल गाउज सरफेस में रखा है तो ये रही आप पास में सिलेंड्रिकल गाउज सरफेस और आपको इस सिलेंडर का लेंथ दे रखा है वन मीटर यानी हंड्रेड सेंटीमीटर इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर के ऊपर जो अंदर चार्ज हुआ इस सिलेंड्रिकल गाउजिन सरफेस में जो अंदर चार्ज हुआ ठीक है तो एक सेंटीमीटर में चार्ज है क्यू तो हंड्रेड सेंटीमीटर में जो चार्ज हो जाएगा दैट चार्ज वुड बी हंड्रेड क्यूब यानी इस क्लोज सरफेस के अंदर आपने 100 क्यू चार्ज को रखा हुआ है और हम जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू होता है नेट चार्ज यानी 100 क्यू डिवाइडेड बाय एफ नॉट ये हो जाएगा और यही आपका आंसर बनेगा बेटा इस क्वेश्चन में इस वायर की रेडियस का कोई यूज़ नहीं है ये आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जो गाज लो है दैट सीज एफसेल नॉट ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू और आपको इसके लिए बताना है कि अगर गाउजें सरफ़ेस के अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाए तो मान लेते हैं आपने कोई भी एक गाउजिन सरफ़ेस ले ली और उस गाउजें सरफ़ेस के अंदर क्या हुआ नेट चार्ज जीरो बन गया नेट चार्ज ज़ीरो बनने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ से जितनी भी लाइन इनकमिंग होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आउट होनी चाहिए जितनी आए उतनी ही जाए तभी तो फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पर नेट ज़ीरो बनेगा ठीक है तो हम क्या बोलेंगे नेट फ्लक्स जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि या तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ ही नहीं रही है और आ रही है तो जितनी आ रही है उतनी ही जा भी रही है और यही आपका आंसर बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी इसमें दिया हुआ है कि जो आपका एक डायलैक्ट्रिक स्पीयर है यानी जिस स्पीयर में पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन कंडक्टिंग स्पीयर का टाइप ले सकते हो आप उसको ठीक है तो आपके पास में एक दिया हुआ है डायलैक्ट्रिक स्पीयर जिसका रेडियस आपको गिवन है कैपिटल आर मान लो कैपिटल आर हैज़ वैल्यू टेन सेंटीमीटर इससे ट्वेंटी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 100 वोल्ट और हम जानते हैं यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर यानी कि 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 100 यानी यहाँ से मैं अगर के क्यू निकाल लूँ बेटा तो मेरे पास आ जाएगा 100 इंटू सेंटीमीटर का होल स्क्वायर यानी यहाँ से मेरे पास में के क्यू की वैल्यू आ गई और मुझसे बोला हुआ है कि इसके यहाँ थ्री सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है थ्री सेंटीमीटर पे तो मैं जानता हूं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई इन होता है के क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर नाउ के क्यू हैज वैल्यू हंड्रेड इंटू ट्वेंटी सेंटीमीटर का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर क्यूब राइट सो कैपिटल r इज 10 सेंटीमीटर इट्स होल क्यूब इंटू स्मॉल r स्मॉल r इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर सो इंटू 3 सेंटीमीटर अब आप सोच रहे हूँ कि मैंने यूनिट्स क्यों लिखी क्योंकि मुझे पता था लास्ट में जाके यूनिट कैंसिल आउट होने वाली है और मुझे क्वेश्चन को ऐसा ही यूनिट में सॉल्व करना है तो ऑब्वियस से बात है कि मैं सी यूनिट को कन्वर्ट uh, भी नहीं करना चाहता और कट भी करना चाहता हूं इसलिए मैं लेके चला हमेशा ध्यान रखिए कभी भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कि कुछ डेटा सी जी एस में दे रखे हों कुछ डेटा एम में दे रखे हो और आंसर एम में दे रखा हो तो सी जी एस यूनिट्स को आपको या तो कन्वर्ट करना पड़ेगा या कट जानी चाहिए अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब कैंसल आउट हो गया तो मेरे पास बन गया फाइनली हंड्रेड इंटू फोर इंटू टेन पावर टू यहाँ से लिख दिया इंटू थ्री डिवाइडेड बाय टेन पावर थ्री तो टेन पावर थ्री तो ये आपकी कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर बन जाएगा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वोल्ट सो दिस वुड बी योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है बेटा कि यहाँ पर फाइव वन फ्लक्स जो है वो इनकमिंग है फाइव वन इज इनकमिंग और आपको मैंने पढ़ाया था कि थ्री डी सरफेस के लिए हम लोग इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं और फाइव टू फ्लक्स जो दिया हुआ है आपको दैट फ्लक्स इज आउट गोइंग दैट इज योर आउट गोइंग फ्लक्स एंड आउट गोइंग फ्लक्स इज टेकन विद द पॉजिटिव साइन तो यहाँ पर जो नेट फ्लक्स बन रहा है वो हो जाएगा आप पास में फाइव टू माइनस फाइव वन कितना गया और कितना आया और ये इक्वल हो जाएगा क्यू जो भी इसके अंदर चार्ज इंक्लोज है दे भाई देखो अगर चार्ज जीरो होता तो जितना आता उतना जाता तभी तो आपका नेटवर्क जीरो बनता अगर आ कम रहा है और जा ज्यादा रहा है यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो क्यू बाई एफ साल एंड नॉट तो यहां आ जाएगा क्यू का वैल्यू एफ साल एन नॉट ऑफ फाइव टू माइनस फाइव वन और यही आपका एंसर होगा यानी सिंपल सी बात है अगर अंदर चार्ज नहीं होगा तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इनकमिंग होगी उतनी ही आउट होगी अगर इनकमिंग ज्यादा हो और आउट गोइंग कम हो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होगा इनकमिंग कम हो आउट गोइंग ज्यादा हो यानी क्लोज सर्फेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा राइट नेक्स्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में दैट हैज वैल्यू फाइव आई कैप प्लस टू जे कैप राइट और एक एरिया रखा हुआ है जिसका वैल्यू दिया हुआ है आपको टू मीटर स्क्वायर ये जेड प्लेन में रखा है अगर एरिया को जेड प्लेन में रखेंगे तो एरिया वाई वाइजर प्लेन के परपेंडिकुलर यानी आई कैप में आ जाएगा राइट right? तो यहां पर जो फ्लक्स बनेगा उसका वैल्यू होता है ई डॉट ए तो जब ई डॉट ए करोगे तो फाइव टू या टेन ठीक है तो ये आ गया आई को आई से करेंगे जे है ही नहीं तो ये आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी थ्री इसमें दिया हुआ है कि हमने एक क्यूब है राइट right? उसके सारे कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है और आपको बताना है इस क्यूब की वजह से फ्लक्स कितना होगा ठीक है तो हम जानते हैं कि अगर ऐसे चार्ज को रख देंगे तो फ्लक्स आता है वन अपोन एट एफ साल नॉट ऑफ पहले कोने का चार्ज दूसरे का चार्ज तीसरे का चार्ज चौथे का चार्ज ऐसे चलते जाएंगे तो सारे कॉर्नर के चार्जेस का सम कर दो तो एट तक सम करना है

तो ये आपके पास में टू टाइम कैंसिल आउट हो गया ये यहाँ से एटीन टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बन जाएगा वन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू पाई इंटू टेन पावर नाइन इंटू टेन पावर माइनस सिक्स यानी आपके पास में नेट आंसर आ जाएगा वन सिक्सटी टू पाई इंटू टेन पावर थ्री और इसके यूनिट हम लिखेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर बाई कलेन एंड दिस वुड बी योर एंसर टोटली कैलकुलेटेड क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिया हुआ आपने आपको बेटा कि हमने यहां पर एक स्क्वेयर प्लेट बना दी ठीक है ऐसी कोई हमने स्क्वेर प्लेट बना दी ठीक है जिसकी साइड लेंथ आपको दे रखी कितनी ए और इससे ए बाई टू डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज को प्लेस कर दिया क्यू को राइट right. अब इस प्लेट से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर मुझे फ्लक्स निकालना है तो पहले क्लोज सरफेस देखनी पड़ेगी तो हम जानते हैं कि, कि कोई भी क्लोज सरफेस जो होती है उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्यू बाई एफ साल नोट होता तो है अब इस प्लेट से निकलने वाला फ्लक्स अगर आपको बताना है तो आपको ऐसी क्लोज सरफेस निकालनी पड़ेगी जो उसके सीमेट्रिक हो तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक सेम प्लेट लगा दें इस टाइप से ठीक है यहाँ पर प्लेट लगा दें ऊपर प्लेट लगा दें और दोनों साइड्स में प्लेट लगा दें तो एक क्यूब बन जाएगा तो क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा कितना क्यूब बाई एफ्स एल नॉट तो उसकी एक सरफेस से निकलने वाला यानी एक फेस से निकलने वाला जैसे क्यूब बनाओगे तो ये क्यूब का एक फेस बन जाएगा ना तो उसके फेस से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा आपस में क्यूबाई सिक्स एफ नॉट और यही आप लोगों का आंसर होगा सो इस दिस वॉज द सोल्यून फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्टी वन टू फोर्टी फोर आई होप ये वीडियो सोल्यूशन आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे जो भी आप इसके बारे में सोचते हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और पुराना जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो पुराने पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर वन से लेके ट्वेंटी नाइन तक का सोल्यूशन है उसको भी देख लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब